अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. ओके क्लास, टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस. नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो है ऐसा डिफेंस जिसका टारगेट कोई भी एक स्पेसिफिक पैथोजन नहीं होता. नॉन स्पेसिफिक डिफेंस जो है ये ऐसा डिफेंस होता है जिसके अंदर बॉडी जो है वो ऑल द टाइम प्रिपेयर रहती है, अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म को एक्टिव रखती है. मतलब कि एक आपकी बॉडी के अंदर नेचुरली जो डिफेंस सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसका टारगेट कोई स्पेसिफिक पैथोजन ना हो. जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई पैथोजन एंटर हुआ है, उस पैथोजन को किल करने के लिए एक डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, तो वो जो है एक स्पेसिफिक उसमें आ जाता है कि एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए जो डिफेंस सिस्टम एक्टिव होता है वो स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम कहलाता है. जबकि नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम में इस तरह होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर हमेशा से एक्टिव रहता है. जैसे कि एक आप एग्जांपल ले लें स्किन की. स्किन जो है वो ऑल द टाइम जो है वो एज अ बैरियर एक्ट करती है पैथोजन के लिए. मतलब कि किसी भी पैथोजन या इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स जो होते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, इनको अपने अंदर एंटर नहीं होने देती. ऑल द टाइम ये सिस्टम जो है वो नेचुरली एक्टिव रहता है बॉडी के अंदर. तो ऐसा सिस्टम जो है वो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस कहलाता है. नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में ये प्रोसेसेस हैं जो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस के थ्रू होते हैं. इसमें आपके पास सबसे पहले तो आ जाता है फैगोसाइटोसिस, देन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, देन फीवर एंड कम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस एट्सेट्रा. अच्छा, सबसे पहले देख लेते हैं फैगोसाइटोसिस को. फैगोसाइटोसिस इज़ अ सेलुलर प्रोसेस ऑफ इंजेस्टिंग एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन सब्सटेंस एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसमें क्या होता है, ये एक सेलुलर प्रोसेस है. इसे सेलुलर प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सेल इन्वॉल्व होता है. एक सेल जो होता है वो कोई उसमें आपके पास उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल आपको वाइट ब्लड सेल की दी हुई है कि वाइट ब्लड सेल जो है वो एक फैगोसाइट के तौर पे एक्ट करता है. फैगोसाइट जो है वो फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करेगा. अब ये होता क्या है फैगोसाइटोसिस, इसमें एक सेल जो कि वाइट ब्लड सेल है वो एक्ट करेगा फैगोसाइट के तौर पे और इंजेस्ट कर लेगा मटेरियल को, एलिमिनेट करेगा फॉरेन सब्सटेंस को जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह. यहाँ पे देखें, यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई गई है, ये एक वाइट ब्लड सेल है. ठीक है, वाइट ब्लड सेल जो है इसकी जो आउटर वॉल है, इसकी जो आउटर वॉल होती है मतलब कि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है इसकी वो जो है इन्वेजिनेट करती है अंदर वाली साइड से, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं. ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अंदर से इन्वेजिनेट करेगी और ये जो येलो कलर के आपको डॉट्स स्टार्स नज़र आ रहे हैं ये पैथोजेंस हैं या इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स हैं जैसे कि वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह. तो ये क्या करता है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इसके अंदर जो है बैक्टीरिया एंटर होगा. बैक्टीरिया एंटर होने के बाद ये इनक्लोज कर लेता है बैक्टीरिया को अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर और फिर इसे ट्रांसफ़र कर देता है इनसाइड इट्स बॉडी. ये कौन कर रहा है, ये वाइट ब्लड सेल कर रहा है. वाइट ब्लड सेल क्या कर रहा है, ये अपने अंदर लेके जा रहा है बैक्टीरिया वायरसेस को और उसे सराउंड कर लिया है उसने अपनी मेम्ब्रेन के अंदर. अब यहाँ पे पिंक कलर के जो स्टार्स हैं ये भी वायरसेस, बैक्टीरिया ही हैं, लेकिन इसे सराउंड कर लिया है इसने अपनी सेल मेम्ब्रेन से और बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर लिया है. इस तरह ये क्या करता है, ये इसे किल कर देता है बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर, या डाइजेस्ट कर लेता है ताकि जो फॉरेन सब्सटेंस या मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वायरसेस, बैक्टीरिया जो है उसे ख़त्म कर सके, उसकी उसे किल कर दे अपनी क्या कहते हैं उसे ईट कर लेता है, खा लेता है, उसे ख़त्म कर देता है बॉडी के अंदर. इस तरह जो है वो फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल कॉल्ड फैगोसाइट परफॉर्म दिस फंक्शन. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये प्रोसेस सारा कर कौन रहा है, फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है वो कौन करवा रहा है. ये वाइट ब्लड सेल जो है आपके पास आ जाता है उसी की एक टाइप है जिसमें फैगोसाइट जो एक सेल होता है ये फंक्शन फैगोसाइट परफॉर्म करता है. मतलब फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस जो है वो फैगोसाइट करवाता है, एलिमिनेट कर लेगा और डाइजेस्ट कर लेगा इसे ताकि
बॉडी के अंदर जो है वो कोई बॉडी के अंदर कहीं और साइड पे मूव करके ये इन्फेक्शन कॉज ना कर सके। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एग्जांपल इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस की। नॉन स्पेसिफिक रिस्पांस की एक टाइप है इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस। व्हेन अ बॉडी टिश्यू इज़ डैमेज एज द नेम शोज के इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है तो इसके अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। व्हेन अ बॉडी टिश्यू इज़ डैमेज और इंजर्ड इट कॉज इन्फ्लेमेशन। जब बॉडी टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाता है या इंजर्ड हो जाता है, मतलब कि किसी इंजरी के थ्रू या एक्सीडेंट के थ्रू अगर इन्फेक्शन हो जाता है, बॉडी पे कट लग जाता है, तो उसके रिजल्ट में उस प्लेस पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इन्फ्लेमेशन कहते हैं स्वेलिंग को। हीट और बर्निंग इफेक्ट, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन आर साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की साइंस बता रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन जो आपकी स्वेलिंग होती है बॉडी के अंदर, उसके साइंस क्या होते हैं। एक तो ये कि बर्निंग होती है वहाँ पर उस एरिया पर, और पेन फील होती है, रेडनेस हो जाती है, वो एरिया रेड होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, और वहाँ का जो फंक्शन हर बॉडी हर सेल जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो सही से फंक्शन नहीं हो रहा होता, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है वहाँ पे, आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इज अ पार्ट ऑफ बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म इन विच स्पेशल सेल्स कॉल इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर सेंट एट द अफेक्टेड साइट। अच्छा, अब इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में होता क्या है, इसमें आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है उसके अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स जो होते हैं उन सेल्स को इन्फ्लेमेटरी सेल्स कहते हैं। ये सेल्स जो होते हैं ये इंजर्ड साइड पे जाते हैं और वहाँ पे, मतलब कि जहाँ पे एक्सीडेंट के थ्रू कोई कट वगैरह लगा होता है, जहाँ इन्फेक्शन हुआ होता है उस साइड पे जाते हैं और फिर वहाँ पे जाकर ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। तो इस इन्फ्लेमेशन कॉज करने के रिस्पॉन्स को इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं। दे रिमूव द हार्मफुल फॉरेन सब्सटेंसेस पैथोजेंस फ्रॉम द साइट एंड बिगिन द हीलिंग प्रोसेस। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये वहाँ पर जाके जितने भी फॉरेन सब्सटेंसेस उस जगह पे अटैच हुए होते हैं आके, मतलब के जो वाउंड कट लगा होता है वहाँ पे जितने वायरसेस बैक्टीरिया वगैरह आके अटैच होते हैं उन्हें रिमूव करवाते हैं, और दूसरा काम ये क्या करते हैं, ये वहाँ का उस एरिया का जो हीलिंग प्रोसेस होता है उसे स्टार्ट कर देते हैं, मतलब के उस जख्म को ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी जो है ना हील करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ब्लॉक देखिए बच्चों, ये है इन्फॉर्मेटिव। इंटरफेरॉन इज़ अ केमिकल सिक्रेटेड बाय द इन्फेक्टेड सेल्स हेल्पिंग अगेंस्ट द पैथोजेंस। अब यहाँ पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव ब्लॉक में उन्होंने बताया हुआ है कि इंटरफेरॉन जो है ना ये एक ऐसा केमिकल है जो इन्फेक्टेड साइट के ऊपर रिलीज करता है। इन्फेक्टेड साइट कौन सी, जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होता है, जहाँ पे कट लगा होता है, जहाँ पे इन्फेक्शन होता है, वहाँ से ये एक केमिकल रिलीज़ करता है इन्फेक्टेड सेल्स के थ्रू, जिस केमिकल को इंटरफेरॉन कहते हैं। अब ये क्या करेगा, ये पैथोजन के अगेंस्ट काम करेगा, मतलब के पैथोजेंस को किल करता है, ये पैथोजेंस को वहाँ से रिमूव करवाएगा ताकि पैथोजन जो है वो उस साइड पर अगर कोई वायरस बैक्टीरिया वगैरह आके अटैच हुआ है तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज ना कर सके, उसे पहले से ही रिमूव कर देता है। इंटरफेरॉन आपका डिफेंसिव केमिकल है जो बॉडी के अंदर इन्फेक्टेड साइट पर रिलीज होता है। नेक्स्ट है इम्यूनिटी और स्पेसिफिक डिफेंस। द पैथोजेंस लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, टॉक्सिन्स कॉज द बॉडी टू प्रोड्यूस स्पेशल प्रोटीन्स कॉल एंटीबॉडीज। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने पैथोजेंस की आपको एग्जांपल्स बताई हुई हैं कि वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, टॉक्सिन्स होते हैं वो टॉक्सिक मटेरियल होता है, मतलब कि जहरीले मादे जो होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। बाकी वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई का तो आपको पता है। ये पैथोजेंस जो होते हैं ये बॉडी को मैसेज देते हैं कि ये बॉडी जो है इनके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे, तो उस प्रोटीन को एंटीबॉडीज़ कहते हैं, मतलब के इन पैथोजेंस की वजह से बॉडी जो है वो एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन जो है वो बनाना स्टार्ट कर देती है, जिस प्रोटीन को एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस बाय द लिम्फोसाइट्स। एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कौन कर रहा है, किसी ने तो प्रोड्यूस करना है ना बॉडी के अंदर, तो ये प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो हैं एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन पैथोजेंस, एंटीजेंस की प्रेजेंस पे। अच्छा, पैथोजेंस के ऊपर स्पेसिफिक टाइप की एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं, बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी एंटीजेंस को, और फिर रिकॉग्नाइज करने के बाद वो स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो उसके अगेंस्ट प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स।
लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, सबसे पहले उन एंटीजेंस को जो प्रेजेंट होते हैं पैथोजेंस के ऊपर, पैथोजेंस क्या, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, टॉक्सिन्स वगैरह, इन्हें रिकॉग्नाइज करती है और उनके ऊपर जो भी टाइप की एंटीजेंस प्रेजेंट होती हैं उन एंटीजेंस के अगेंस्ट जो है ना ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं फिर, ताकि उन एंटीजेंस को किल किया जा सके। द एंटीबॉडीज़ वर्क्स टू डिस्ट्रॉय ओनली दोज एंटीजेंस। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, ये किल करेंगी उन एंटीजेंस को विच स्टिमुलेट देयर प्रोडक्शन, जो उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, मतलब कि जिनकी वजह से जो वायरसेस, बैक्टीरिया का नंबर है वो इंक्रीज़ कर रहा है जिन एंटीजेंस की वजह से, उन एंटीजेंस को किल कर देती हैं ये वाली एंटीबॉडीज़। After production, an antibody identifies the antigen, develop a lock and key relationship with it and neutralize it. सबसे पहले क्या करेगी, अब उसने एंटीबॉडी बना ली है, ठीक है, एंटीबॉडी बनाने के बाद वो एंटीबॉडी जो होगी वो आइडेंटिफाई करेगी एंटीजन को और डिवेलप कर लेगी एक लॉक एंड की रिलेशनशिप उसके साथ, एंटीजन के साथ, मतलब कि इस तरह के जैसे कि एक लॉक के अंदर की जो है वो हम एंटर करते हैं तो वो लॉक ओपन हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जब वो एक लॉक सपोज कर लें कि आप एंटीबॉडी है और की जो है वो एंटीजन है, वो की अपनी ढूंढेगी कि मतलब कौन सी वाली की जो है वो उसके अंदर फिट आके वो लॉक ओपन होगा और वो जो एंटीजन है वो ख़त्म हो जाएगी वहाँ से। किस तरह होता है ये प्रोसेस, यहाँ पे आपको दिखाया हुआ उन्होंने, ये एक एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एंटीबॉडी का उन्होंने मॉडल बनाया हुआ इस तरह, ठीक है। अब इस एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग साइट्स हैं, एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट्स में आ जाती है एक ये साइट और एक ये साइट, ठीक है। अब ये इसकी बाइंडिंग साइट्स हैं, यहाँ पे आके किसकी बाइंडिंग साइट है, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है एंटीबॉडी की, मतलब इसके अकॉर्डिंग, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ से एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीजन जो है वो यहाँ आके फिक्स होगी। आप यहाँ पे देखें पर्पल वाली जो है, अगर यहाँ पे फिक्स करते हैं तो वो इसमें इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पूरी नहीं आएगी, ठीक है। एंटीजन रेड वाली भी नहीं हो रही इसके साथ मैच, और ग्रीन वाली भी मैच नहीं कर रही है, ठीक है, ये येलो वाली भी मैच नहीं कर रही है, और ये ब्लू वाली भी मैच नहीं कर रही है, और ये पर्पल वाली भी मैच नहीं कर रही है, तो यहाँ पे सिर्फ जो फिट आ रही है वो ये वाली आ रही है। डैट्स मीन अब ये एंटीबॉडी जो है वो इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी और फिर अपने ऊपर, मतलब कि एंटीजन बाइंडिंग साइट जो उसके ऊपर प्रेजेंट है वहाँ पर ये एंटीजन आके अटैच हो जाती है इस तरह, ठीक है, ये यहाँ पर आके अटैच हो जाएगी और फिर इसे इस तरह ये एक लॉक एंड की सिस्टम बनता है, कि मतलब ये एक लॉक है जो कि एक एंटीबॉडी है और की जो है इसकी क्या है, एंटीजन है, ये एंटीजन की जो है ये इसके साथ आके अटैच होगी इस लॉक के साथ, और फिर ये जो होगा जो एंटीजन होगी इस तरह ये इसे न्यूट्रलाइज़ कर देगी, न्यूट्रलाइज़ कर देगी मतलब कि ख़त्म कर देगी, इस एंटीजन को किल कर देगी, इससे रिमूव करवा देगी। इस तरह जो है वो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एक लॉक एंड की सिस्टम के थ्रू एंटीजन को ख़त्म कर देती हैं, रिमूव करवा देती हैं, और फिर वो जो वायरस, बैक्टीरिया होता है उसकी फर्दर प्रोडक्शन नहीं होती। एज द एंटीबॉडीज वर्क अगेंस्ट पार्टिकुलर एंटीजन द डिफेंस सिस्टम सो डिवेलप इज कॉल्ड स्पेसिफिक डिफेंस। अच्छा, अब यहाँ पे एंटीबॉडीज जो हैं वो अगेंस्ट एंटीजन के काम कर रही हैं, एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीजन अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है, और अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर रही है, तो इस टाइप का डिफेंस सिस्टम जो होता है वो स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम कहते हैं इसे, ठीक है, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीजन जो है उसके जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस होती है किसी स्पेसिफिक टाइप की एंटीजन की वजह से, तो ऐसा सिस्टम जो है वो स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपको और एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये देखें यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये वाली एंटीजन जो है ये इस एंटीबॉडी के साथ आके अटैच हो रही है, और यहाँ पर ये वाली एंटीजन, ये देखें यहाँ पर ये वाली एंटीजन जो है वो इस एंटीबॉडी के साथ आके अटैच कर रही है और न्यूट्रलाइज करके इस एंटीजन को रिमूव कर रही है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर देखें ये वाली प्लस साइन वाली एंटीजन, ये प्लस साइन वाली एंटीजन जो है ये इस एंटीबॉडी के साथ आके अटैच कर रही है और इसको न्यूट्रलाइज कर रही है, मतलब कि एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीजन जो है वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ एक्ट कर रही है, तो इस टाइप का जो डिफेंसिव सिस्टम होता है वो स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम कहलाता है।
एंटीजन एंड एंटीबॉडीज हैव अ लॉक एंड की रिलेशनशिप, जैसे कि मैंने आपको डिटेल में सारा बता दिया। डिपेंडिंग ऑन द एंटीजन्स प्रेजेंट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस। एंटीजन की प्रेजेंस की डिपेंडेंस पे जो है ना एक स्पेसिफिक टाइप की एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं। टू टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन इम्यूनिटी प्रोडक्शन। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि दो टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि आपकी इम्यूनिटी को, आपकी कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाने में कह लें, ठीक है, बढ़ाने के लिए जो है वो दो टाइप के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। उसमें पहला जो आपका पास वाइट ब्लड सेल आता है वो है बी लिम्फोसाइट्स एंड सेकेंड वन इज़ टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट शो रिस्पॉन्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटी टॉक्सिन, दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमरल रिस्पॉन्स। अब बी लिम्फोसाइट के रिजल्ट में जो एंटीबॉडीज और एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगी वो जो रिस्पॉन्स होगा वो आपका ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहलाता है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहलाता है, जबकि टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली फाइट विद द पैथोजन टू रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी। जबकि टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली कोई भी मतलब एंटीबॉडी या एंटी टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि डायरेक्टली फाइट करते हैं उस पैथोजन के साथ और उसे बॉडी से रिमूव करवा देते हैं। तो इस टाइप का जो डिफेंस सिस्टम होता है वो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स कहलाता है, कि मतलब सेल ने जैसे ही डिटेक्ट किया फ़ौरन से अपना रिस्पॉन्स शो करके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया, बॉडी से रिमूव करवा दिया, ताकि वो पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कोई इन्फेक्शन कॉज ना कर सके बॉडी के अंदर। तो इस तरह बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो डिफेंसिव मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होते हैं। तो दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सेज हैं, एक का ह्यूमरल रिस्पॉन्स है तो दूसरे का सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है। ओके क्लास, दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।